तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और नई कमाल की डुओ कॉन्करर पुशिंग की वीडियो के साथ वापस। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कॉन्करर पुश करने की कुछ टिप्स और कैसे क्या करना है और फ्लैंग वगैरह, तो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो अभी हम काफ़ी दूर उतरे प्लेन पाथ से यशनाया में, तो यहाँ पर हम लूट करते और यहाँ पर थोड़ा होल्ड करते 1-2 जून, ताकि कोई हैकर वगैरह और जो टीम अप का जो चक्कर होता है तो वो ना हो। तो फिलहाल वहाँ से हम निकल के आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एक गाड़ी दिखती है। तो देखो पहले इसको हम लोग कैसे भेजते हैं, हम इसको आराम से खूंटी पे लटका के हम लोग भेज दिए। अब वो वहाँ पे फिलहाल तो किल विल तो मिला नहीं था, तो हम जा रहे थे बीच में सेंटर होल्ड करने। तभी अब यहाँ पे हम जा रहे थे तो बीच में ही वहाँ पे फाइट हो रहा था, तो हम फंस गए थे। तो हमें अब यहाँ से निकलना था, तो फिर हम सोचे कि चलो फाइट ही ले लेते। और ये बंदा बेकाम में मारा गया, ये बंदा उन सबसे बच के मतलब कैसे भी सरवाइव कर रहा था, लेकिन गलती से ये हमसे ही मारा गया। तो फिलहाल अब हमें उनको मारना था, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा भी माइनस नहीं करवाना था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लो टियर से खेल रहे हैं, सिल्वर से हमने स्टार्ट किया है, तो बहुत टफ होने वाला है कॉन्करर। तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, हम कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम बिल्कुल भी पुश अपने साइड से नहीं करना चाहते थे, ताकि वो लोग हमें इजीली हाइट से मार सके, क्योंकि वो हाइट थे मतलब हाई पे थे और हम लो पे थे। तो मैं अपने टीममेट को थोड़ा अपने से आगे जाने को बोल रहा था, ताकि अगर वो नॉक हो तो मैं पीछे से संभाल लूँ। तो बिल्कुल हम वैसे ही आगे पीछे दोनों साइड देख के जा रहे थे, और जो मेरा टीममेट है वो बताता है कि वो बंदे ऊपर चले गए। तो यहाँ पे हम दोबारा से फंसने वाले, तो देख रहे हैं यहाँ पे हम कैसे मैच निकालते हैं। अरे दूसरा तो वाला यहाँ क्या पे रहा है, मेरा दूसरा वाला बंदा क्या भी रहा मतलब जो टीममेट है वो नॉक है, और मैंने आराम से दोनों को मार दिया। तो आपको एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना है और एकदम दूसरे वाला को इतना मार मिलजुल दिया। के खेलना है, तो आपका थोड़ा कॉन्करर पुश करना इजी रहेगा। और जो जो भी आप अपने पार्टनर को लोगे तो थोड़ा सही से लेना, ताकि वो नाराज वगैरह ना हो। तो यहाँ पे मैं डैमेज हो गया, तो मैं तो यहाँ पे किल ले चुका था, तो मेरे टीममेट की बारी थी कि वो अपना किल निकाले। तो फिलहाल वो दोनों को AWM से आराम से मार देता है, और उसको भी 2 किल मिल जाता है। तो बराबर बराबर चल रहा था हमारा किल वगैरह। तो उसके बाद हम इन दोनों को मारने के बाद यहाँ से निकल लेते हैं, ताकि हम जोन में जा सके। और यहाँ पे आते तभी ये बंदा हमें ड्रॉप पे रास्ते में दिखता है, हम आ तो रहे नहीं थे ड्रॉप पे, लेकिन ये रास्ते में दिख गया, तो हमने इसको मार दिया। और इसको लूटने जाते ताकि कुछ अच्छा वेपन मिल जाए हमें, ताकि लास्ट में जो हो सर्वाइव करना ईजी रहे। तो यहाँ पे हम थोड़ा लूटपाट करने आ ही रहे थे, और जो मेरा टीममेट है वो कभी थोड़ा पीछे था, तो वो भी आ जाता है व्हीकल लेके, क्योंकि व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है रैंक पुश में, तो आपको कभी भी क्या कुछ यार भी ये, मतलब ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब देखो अबे हम ये किसी तो ने सेफ्टी इधर मेरे आ जाओ, टीममेट इधर आ को इधर आ जाओ, इधर VSS इधर आ से जाओ, मार इधर दिया, आ तो जाओ। VSS से अगर आपको कोई मारे तो आपका जिस हाँ यार साइड से खून तीन निकले सौ उस भी आ साइड गए, से आप समझ तीन जाओ कि सौ उस भी आ साइड से गए, अगर फायरिंग कर रहा है, क्योंकि VSS का मार्क मार आता दिया नहीं है। मार और दिया। उस बंदे ने तुरंत ही हम पे रश कर दिया अपने व्हीकल से। तो अब देखो मेरे टीममेट का हेल्थ मेरे काफ़ी तो अंदर कम ही था, तो चल मैं रही थी इसको बहुत अच्छी। कवर देने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो मैं उस बंदे पे प्रेशर बनाता हूँ और उसको थोड़ा भी मौका नहीं देता हूँ अपने पे फायर लेने की। तो इसको आराम से मैं मार दिया और सीधे हम लोग भेज दिया। तो फिलहाल तो यहाँ का जो मुसीबत था टला। अब उसके बाद हम इससे भी थोड़ा लूट करते हैं, लेकिन हमें ड्रॉप का तो कोई सामान मिला नहीं था। और मतलब पूरा होल्ड करने के बाद हम इस जगह पे आए थे, और इस जगह पे ये बंदे मिले, और ये फाइनल बंदे थे लास्ट के। और तभी मेरा जो टीममेट होता है वो नॉक हो जाता है। तो अब मैं तो यहाँ पे फंस अरे चुका था, वो जो क्योंकि पत्थर मेरे के पीछे, एक सामने बंदा था और उसका जो एक बंदा था पत्थर के नीचे पीछे, के अरे साइड जा चुका था, ताकि लग मुझे लग रहा था कि क्या जाता पता वो फ्लैंक ना कर दे, और मुझे कुछ मारने का एंगल भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सामने जो पेड़ है उससे व्यू ब्लॉक हो रहा था। वही दो बचे तो हैं अभी मैं तक। एंड में सोचता हूँ कि क्या पता मैं नीचे जा सकूँ गाड़ी के पास, और गाड़ी से फ्लैंक करूँ उनसे, उनको पीछे हम से। लोग नीचे से और मार ऐसे करने भी यहाँ पे वापस मरना आए, ही था, क्योंकि कोई चांस नहीं था उसका जो दूसरा टीममेट था। वही मुझे मार देता है साइड से। तो फिलहाल ये तो गेम प्ले बेकार गया, और
अभी चिकन डिनर का भी गेम प्ले आप लोग देख लो कि ये मैच उस मैच से काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे बंदे पुशिंग लॉबी वाले थे, तो आपको नमूना देखने को मिले गया होगा कि हम काफ़ी दूर उतरे थे प्लेन पाथ से, तब भी बंदे अपनी गाड़ी को लेके दूर दूर जा रहे हैं, तो हम भागते भागते मतलब आ गए यहाँ पे यशनाया काफ़ी दूर। तो यहाँ पे थोड़ा हम लूट पाट करते और एक दो जोन यहीं पे पहले सर्वाइव करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली वीडियो में भी मैं दिखाया था कि कैसे बंदे डुओ में भी टीम अप करके बंदों की धजिया से उड़ा दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि एक ही टीम में लेकिन आप जाओगे तो चारों तरफ से मारे जाओगे। तो इसीलिए हम जोन के बाहर थे, और अब जैसे कि देख ही सकते हो कि बंदे भी काफ़ी कम बचे थे, तो हम जोन के अंदर जाके अब अपना थोड़ा किल विल निकाल लेते ताकि हमारा प्लस हो जाता। तो यहाँ से हम दोनों आ जाते, और जैसे कि आपको मैप में दिखा हुआ कि हम मार्क पहले ही कर चुके थे यहाँ के लिए, तो हम यहाँ पे आ जाते इजीली। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे यहाँ का सर्वाइव बस। तो सामने मुझे व्हीकल दिख गई थी, तो मेरे को लगा कि वहाँ पे बंदा हो सकता है, क्योंकि अधिकतर टाइम रैंक पुश में यही होता है कि बंदे पता नहीं कहीं कहीं कैंप करते हैं। और फ़िलहाल के लिए तो हम यहीं पे मतलब होल्ड कर रहे थे और देख रहे थे और बंदे कहाँ कहाँ हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक कवर बनाता हूँ अपने गाड़ी से ताकि मैं यहाँ पे अगर होल्ड भी करूँ तो पीछे से कोई बंदा मुझे मार ना दे। तो यहाँ से काफ़ी देर से गन साउंड भी आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इस साइड बंदा हो सकता है, लेकिन दिख नहीं रहा था। तो मैं स्कोप खोल के चेक कर ही रहा होता हूँ, तो फ़िलहाल तो वो दिख जाता है मेरे को, और मैं उस पर थोड़ा भी उसको अपना लोकेशन नहीं देना चाहता था ताकि वो हम लोग को देख के रस कर सके। तो मैं पहले आसपास देख लेता हूँ कि पीछे से और साइड वाइड से ना मार ले। तो आप भी ये ध्यान रखा करो कि आप अपने चारों तरफ देख लो, ताकि आप सोचोगे कि मैं सामने देख रहा हूँ और साइड से कोई मार के चला जाए तो बेकार Watch चीज़ है। out. तो मैं सामने मार्क कर देता हूँ अपने टीममेट को, क्योंकि मेरे टीममेट के पास स्नाइपर था तो वो निकाल सकता था एक आध नॉक, तो फिर हम रश कर देते। लेकिन वो मतलब मारता है लेकिन बॉडी शॉट लग जाता है, और साफ साफ क्लियर मुझे दिख Marked a रहा था और काफ़ी location. छोटा पोजीशन दिख रहा था, तो अगर मैं मारता भी तो उसको खाली डैमेज होता, वो बच जाता। तो मेरा टीममेट उसको मारता है लेकिन वो बस बॉडी खाता है, और Watch उसके out. बाद यहाँ से एक BRDM निकलती है, और मेरे पास देख सकते हो एमओ भी M4 की Marked काफ़ी a ज़्यादा कम है, location. और उसको तो मैं जान देता हूँ। लेकिन अब जो पीछे वाले स्मोक वाले बंदे आएंगे तो देखो उस पर उनका उनके गाड़ी पे स्प्रे मतलब क्या ही होगा। बस थोड़ा सा के लिए बच गए क्योंकि एंगल ही नहीं मिला मुझे। तो आप थोड़ा ये मैच भी देख लो अब। तो जैसे मैं किया वो बिल्कुल आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया था। मैं ऊपर चढ़ के उसको मार रहा था, अगर मेरे आसपास कोई बंदा होता तो मुझे आराम से नॉक कर देता। तो फिलहाल यहाँ पे तो मैं बच गया, और मेरे पास एमओ भी काफ़ी कम थी, 33 ही एमओ थी। तो हम सोचते कि यहाँ से निकले जोन में और गाड़ी लेके हम चले जाते सामने वाले ये जो भी है शेल्टर का, ग्रीन हाउस जिसको बोलते थे। तो यहाँ पे आते और पहले चेक करते कि बंदे कहाँ कहाँ पे, ताकि हम पूरा अंदर जोन में जा सके। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सामने से एक बंदा बोल्ट एक्शन चला रहा है, तो हम सोचते कि उस पर रस करते, तो हम स्मोक स्मोक करके पीछे से फ्लैंक करते आराम से चुपके चुपके, ताकि उसको बिल्कुल भी पता ना चले, और पता नहीं उसको पता चला था कि नहीं। तो फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पे आ गए, और मेरा जो टीममेट था वो जा रहा था लेफ्ट साइड से और मैं जा रहा था राइट साइड से, ताकि एक स्प्रे में हमें ले ना पाए। तो फिलहाल के लिए अब देखो मेरा टीममेट आ गया था, तो उसको आराम से मार देता है। उसको इजी मार दिया, और अब जोन में बचे था लास्ट बंदा। अब लास्ट बंदे को हम आराम से ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसमें थोड़ा भी रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बंदे आते हैं, वो 1v2 आराम से इजीली कर देते। तो फिलहाल के लिए ये बंदा था, तो इसमें सिंगल ही बंदा था, तो इसके अलावा एक और बंदा था, तो इसको हम देखो पहले। और इसकी गाड़ी फोड़ दी, ये BRDM वाला काफ़ी देर से बच रहा था हमसे। तो फाइनली अब लास्ट बंदा बचा था, क्योंकि ये अलग अलग टीम के थे तो मुझे पहले लगा कि एक ही टीम के होंगे। तो हमें लग ही रहा था कि सामने मतलब जोन में जो सैक है वो उसमें हो सकता है बंदा, और मेरे को जोन भी डैमेज कर रहा था। और देखो
वो बंदा भी डैमेज, अगर मैं स्मोक अगर नहीं किया होता तो वो आराम से मेरे को इजीली मार देता। तो आप बिल्कुल भी अंधा रस मत किया करो किसी पे भी अगर आप रैंक पुश कर रहे हो, क्योंकि आप #2 पे भी आओगे तो आपका कम प्लस होगा, और आप अगर चिकन निकाल लेते हो तो काफ़ी अच्छा प्लस होगा। तो फिलहाल तो मेरा टीममेट नॉक हो गया, और देखो हम निकाल पाएंगे कि नहीं चिकन। तो इसको भी आराम इजी मार दिया आराम से। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि इंटरेस्टिंग गेम प्ले आपको मिलती रहे। तो मिलते किसी और वीडियो में।